बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भावलगर गोट फार्म से मैं हूँ जी सजाद अब्दुल्ला मुसला। आज हम फार्म पर एवरमेक्टिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं अपनी बकरियों को। इसके वाले से आपको बताएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये है जी इंजेक्शन एवरमेक्टिन का। ये गवर्नमेंट से हमने लिया था एक्टिन, डिफरेंट नामों के साथ डिफरेंट ब्रांड्स जो है इसको सेल कर रहे हैं एवरमेक्टिन के इंजेक्शन को। ये एक सीसी लगता है जेरे जिल्द। इसका फंक्शन क्या है ये आपको बताते हैं। बेसिकली ये एवरमेक्टिन का इंजेक्शन होता है, तकरीबन 3 माह बाद ये लगा देना चाहिए एक दफ़ा। उससे होता ये है कि अंदरूनी और बैरूनी जो कीड़े हैं वो सारे जानवर के वो मर जाते हैं और जानवर की जो स्किन होती है उसमें शाइन आती है। अगर अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों को ना मारा जाए तो उससे क्या होता है जी, उससे ये होता है कि जानवर एक तो ग्रोथ नहीं करता, जुएं पड़ जाती हैं, चिचड़ पड़ जाते हैं और एनाप्लाज्मोसिस हो जाता है। 107 पे बुखार होना शुरू हो जाता है जानवर को, जानवर वीक होता जाता है, उसके रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने के बाद जानवर आपकी नज़र में बिल्कुल ठीक होता है, एकदम गिरता है, उससे उठा नहीं जाता। फिर 4-5 दिन बेचारा वो खड़ा नहीं हो पाता अपने पाँव पर और उसके बाद वो फिर जानवर जो होता है आपका वो एक्सपायर हो जाता है। ये जो इंजेक्शन होता है ये लंग्स और लीवर जिगर के जो कीड़े होते हैं उनको तल्फ करता है। बैरूनी कीड़े बकरी के ऊपर चिचड़ जुएं ये इस तरह के यानी ना ब्लड पैरासाइट जो है उनको नहीं चढ़ने देता। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये वो चीज़ें जो हमने सीखी हैं ख़ुद नुकसान करने के बाद। पहले हम भी इसको इग्नोर करते थे, नहीं लगाते थे। एवरमेक्टिन का इंजेक्शन ना लगाने की वजह से हमने जो है अपने 12-13 जानवर एक्सपायर किए थे पिछले साल। ब्लड पैरासाइट आ गया, ब्लड टेस्ट करवाया जब बकरियों का तो पता चला जी एक दफ़ा एनाप्लाज्मोसिस हुआ उससे हलाकते हुई और उससे 12 बकरियां एनाप्लाज्मोसिस चिचड़ी के बुखार से हुई थी। उसके बाद फिर हमने डिवर्मिंग और ये काम नहीं किया था एवरमेक्टिन ना लगाने की वजह से। फिर थलीरिया के केसेज आए, जब थलीरिया के केसेज आए तो थलीरिया से भी हमारी 5-6 बकरियाँ एक्सपायर हो गई थी। तो अब हम कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करते, हम तमाम जानवरों को, ये छोटे बच्चे हैं इनको तकरीबन 0.5 cc या इससे भी कम लगाएंगे। 0.5 cc तो कम लावा है इन्होंने, थोड़ा लावा है इन्होंने। ये एक बकरी को 1 cc लगता है जी। ये 2-2 माह के बच्चे हैं, इनको भी हम लगा रहे हैं। अच्छा, इसको फ्रिज में रख के ना नीचे वाले पोर्शन में तो ठंडा करके लगाना चाहिए। ठंडा करके लगाएंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सर्दियों में तो वैसे ही ठंडा होता है गर्मियों की, और ज़रूरी नहीं है कि आजकल चीचड़ नहीं है तो इसको ना लगाएं। इसको लगाना चाहिए बारीक बारीक जुएं, जैसे जैसे अब धूप निकल रही है या गर्मी का मौसम आएगा तो हर बकरी के कान में चीचड़ होंगे, जिस्म के ऊपर जुएं होंगी, बकरियाँ सारी बेचैन होती हैं, बड़ी परेशानी का सबब बनती हैं ये जुएं, आपके जानवर की जो हलाकत का भी बाइस बनती है। कोशिश ये करनी है कि जो प्रेग्नेंट गोट हो उसको नहीं लगाना आपने, ठीक है, और बच्चों को 1 cc नहीं लगाना, कम लगाना है। ये बादशाह आ गया। ये इंजेक्शन आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, ICI कंपनी का जो है मेरा ख्याल है 2200 रुपये का या 2000 रुपये का मिलेगा। गवर्नमेंट से भी मिल जाएगा, वहाँ पे 5 रुपये पर्ची फीस दें, अगर उनके पास अवेलेबल हो तो आप वहाँ से ले लें लेके और इसको लगाएं लाजमी। ये गोट फार्मिंग में 3-4 चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं, बड़ी बेसिक हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके बगैर चारा ही नहीं है। उनमें एक डिवर्मिंग है, वो भी आपको 3 माह बाद लाजमी करनी चाहिए। इस डिवर्मिंग के अलावा जनाब वो है ये एवरमेक्टिन के इंजेक्शन हैं, ठीक है। इसके अलावा एवरमेक्टिन के अलावा 3 वैक्सीन हैं, CCPP जो सर्दियों में होती है और गर्मी आने से पहले होती है और सर्दी आने से पहले होती है, ETV होती है और PPR होती है। ये 4-5 काम आप कर लेना तो इंशाल्लाह आपकी बकरी जो है वो एक्सपायर नहीं होगी, इतनी आसानी से नहीं होगी। बाकी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ये सुल्तान की बेटी है, ये अभी पट है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी है।
ये बादशाह के बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ इस दफा कैसे खूबसूरत आए हैं माशाल्लाह। ये रानी है, इस बकरी का नाम मैंने रानी रखा है। रानी रानी ये मेरे पास आ रही है। ये इसकी बेटी है लैला, लैला सुल्तान। ये लैला सुल्तान है जी, अभी इनके नाम रखे हैं मैंने और इनकी ट्रेनिंग करनी है अभी बाकी है। माँ की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत हो गई है, बुलाता हूँ तो मेरे इशारे पे आ जाती है। बेटी अभी छोटी है, उसको भी ट्रेन करना है। ये बादशाह की बेटी माशाल्लाह बारीक चीन में है, बड़ी प्यारी है। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम 100% प्योर ब्रीड की तरफ जा रहे हैं। होम ब्रीड हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है। ये रानी मेरे पास पास फिरती है। चलें जी, आज की वीडियो जो थी वो एवरमेक्टिन के हवाले से थी। कोशिश थी कि थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास हो आपके साथ शेयर करें।